series with Rashmi Kashyap. In this series, I try to bring some successful stories in front of you where people have achieved some milestones in their lives. और ना ही उन्होंने सिर्फ अपने पर्सनल करियर में माइलस्टोन्स अचीव करे हैं, उन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस और अपने क्लाइंट्स जिनको उन्होंने सर्व किया है उनकी भी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करी है। और ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ हैं, मिस्टर पीयूष मोदी, जो कि ना एक वेडिंग प्लानर है बल्कि एक फोटोग्राफर है जिन्होंने अपने करियर फोटोग्राफी से शुरू किया और धीरे धीरे उसको वेडिंग प्लानर तक ले गए और आज उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। और साथ ही साथ वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक बहुत नरम दिल के इंसान हैं। उनका ट्रेडमार्क है उनकी ये हंसी जो कि उनके चेहरे पे हमेशा रहती है। 1999 में उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित करी मोदेश्वर क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड और उनके भाई मिस्टर मनीष मोदी के साथ मिलकर इस कंपनी को चलाया। दोनों के अधिक परिश्रम, विजन, पैशन और हार्डवर्क से ये कंपनी आज इतनी सक्सेसफुल है कि ये बहुत ही जल्दी सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं। 19 अक्टूबर को इनके 25 साल पूरे हो रहे हैं और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप सब सोच ही रहे होंगे कि व्हाई आई एम ड्रेस्ड लाइक दिस, यू नो, बिकॉज़ टुडे आई एम विद वेडिंग प्लानर। और जब वेडिंग की बात करते हैं तो क्या दिमाग में आता है, गहने, ट्रेडिशनल कपड़े। सो आज मेरा भी लुक थोड़ा ऐसा ही है बिकॉज आई वॉन्टेड टू फील दैट स्पिरिट, दैट एनर्जी ऑफ वॉट इंडियन वेडिंग्स ब्रिंग टू अस। तो बिना कुछ वक्त गवाए चर्चा करते हैं इस कॉन्वर्सेशन में और उनसे पूछते हैं उनकी ये जर्नी कैसे रही। वो हमसे शेयर करेंगे कुछ खट्टे मीठे पल, उनके अचीवमेंट्स और कुछ सेटबैक, क्या कभी उन्हें हुए या और भी वो क्या आगे फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, जो कि वो 50वीं सालगिरह तक इस गोल्डन जुबली भी हमारे साथ ही धूमधाम खान से मना सके। सो ओवर टू पीयूष मोदी जी, वेलकम। सबसे पहले तो आप हमें पहले ये जर्नी के बारे में बताएं, आपकी जो एक जर्नी रही पूरे 25 साल की उसके बारे में बताएं। आज आप पीछे देखते हैं तो आपको क्या चीजें दिमाग में आती हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो अपने व्यूअर्स के साथ और अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? 25 साल पहले 1999 में एक छोटे से गाँव से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने अपने भाई के साथ फोटोग्राफी का था तो एक स्टूडियो से हमने शुरुआत की थी और वहाँ से धीरे धीरे आज यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज सबसे पहले इस मौके पर सबसे पहले जो हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने हम पे भरोसा जताया है, मोर देन 1700 से ज़्यादा भी हमने इवेंट किए हैं, 600 परिवार में हमने अपना ट्रस्ट स्थापित किया है, तो आज सबसे पहले उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हम पे भरोसा जताया और आज हम अपने सिल्वर जुबली यानी कि 25 साल हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो अचीवमेंट है तो मेरे क्लाइंट है, मेरा स्टाफ है, मेरा भाई है, मेरा फैमिली है, तो ये सब उनके लिए है। तो जैसा कि आपने बोला कि ये सारे अचीवमेंट्स आपके लोगों के लिए हैं, तो इससे मुझे आपकी एक और क्वालिटी का पता चला कि यू बिलीव इन टीम वर्क, यू आर नॉट द वन इट इज ऑलवेज द टीम बिहाइंड यू, यू नो, व्हेन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन एंड एज दे से दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, तो आप उनके बारे में एक लाइन में कुछ बताना चाहेंगे? Definitely, definitely. और टाइम लीजिए आप, मेरी वाइफ है तो मुझे पता है कि जैसे नहीं, definitely है कि आज 25 साल की जर्नी है, काफी सारा स्ट्रगल किया है, पूरे परिवार ने स्ट्रगल किया है, तो डेफिनेटली वाइफ ने भी इतना ही सपोर्ट किया है, इवन उसने मेरे वर्क के अंदर हाथ बटाया है, हर मौके पे, हर जगह पे मुझे उसकी जरूरत जहाँ भी पड़ी है कहा तो मेरे साथ खड़ी रही है। तो जब फैमिली आपके साथ में होती है, जब फैमिली हमारे साथ होती है तो कोई भी अचीवमेंट है वो बड़ा नहीं लगता है, वो छोटा हो जाता है। तो आज जब 25 साल पूरे हो रहे हैं तो मैं ये सब कुछ देख पा रहा हूँ कि कहाँ का कहाँ का हमने स्ट्रगल किए है, किसने हमारा साथ दिया है और उनकी बदौलत आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और जैसा कि बोलते हैं कि परिवार ही सब कुछ नहीं होता, आपके बहुत सारे सपोर्टर्स भी होते हैं, क्योंकि जब आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, लाइक यू नीड फाइनेंस, यू नीड प्लेस, यू नीड गाइडेंस, आपको कैपिटल चाहिए होती है, आपको कोई बैकअप चाहिए होता है,
तो उस समय न केवल आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके संबंधी या कोई भी ऐसे लोग जो आपको उस समय मदद करते हैं, वो एक फाउंडेशन पिलर की तरह हो गए हैं आपके बिजनेस में। तो आज आप कुछ ऐसे लोगों को याद करके उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जिन्होंने आपके बिजनेस को खड़ा करने में, एस्टेब्लिश करने में आपका साथ दिया, चाहे किसी भी तरीके की सहायता हो। डेफिनेटली वो मैं बताऊंगा आज, क्योंकि ये एक मौका है, एक स्टेज है वो, जहाँ से मैं उनको थैंक यू बोल सकता हूँ। थैंक यू, हाँ थैंक यू, मेरे ख्याल से बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं उस इंसान की बात करूंगा जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी जी अब तक मेरा सपोर्ट किया है, चाहे फिर वो फाइनेंशियली हो या मोटिवेट हो या जहां भी। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ रिक्वायरमेंट की है, मैंने पूछा हो, मेरे बिना पूछे ही मेरी हेल्प की है, मुझे सपोर्ट किया है, और वो है मेरे मामा कमलेश भाई। तो तहे दिल से मैं उनका आज शुक्रिया अदा करूंगा। तो कहते हैं कि जो बेस होता है, बेस जो बेस उन्होंने ऐसा मजबूत बनाया है, जिनकी वजह से ये सब कुछ मैं कर पाया हूँ। आपके मामा, यस, वाइफ, और इसके अलावा आपके बच्चों का क्या योगदान है? बच्चों का तो बहुत योगदान है, लेकिन इससे पहले एक चीज है जो मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, कि हर एक का एक इंस्पिरेशन होता है, कि एक मोटिवेशन होता है, और वो है मेरे पापा। भले ये पूरे प्रोजेक्ट में वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मुझे सिखाया है कुछ पल में, कहते हैं कि जो चीजें मिलती है अपने पेरेंट्स से, तो वो चीज उन्होंने मुझे दी है कि अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या सच्चाई होनी चाहिए, आपको कैसे काम करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा सब कुछ होता है, लेकिन आपने गुडविल भी, गुडविल सक्सेसफुल नहीं होना है, और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, जो हर टाइम किसी भी टाइम मुझे कुछ भी लगता है तो वो मैं याद करता हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन बन जाता है। बच्चों की बात करें तो ना कोई डिमांड, क्योंकि आजकल के बच्चे में होता है कि भाई बहुत सारी डिमांडें होती है, बहुत सारे बोलते हैं कि ख्वाहिश होती है कि ये करना है, वो करना है, पूरा करने में हमारा डाइवर्जन, हम अपने काम से हम डाइवर्जन हो जाता है, क्या करें क्या ना करें। लेकिन बच्चों ने हमें समझा है, हमारे काम को समझा है, और जिस पथ पर मैं चला हूँ तो वही उसी पथ पर चलते हैं। तो अभी हमको पता है, जैसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि शादियां जो है वो स्वर्ग में बनती है, पर काम तो उन्हें धरती पर करना पड़ता है उन्हें सक्सेसफुल करने के लिए। तो हम सबको जब भी शादी की बात आती है, इनफैक्ट जब इंडियन कल्चर की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, रिचुअल्स। अभी अभी देखा हमने अंबानी परिवार के छोटे बेटे की शादी, क्या धूमधाम से हुई, एंड द होल वर्ल्ड वॉज मेस्मराइज्ड विद द ग्रैंडियर एंड द लैविश यू नो डेकोरेशंस एंड एवरीथिंग दे डिड, यू नो। सो आप ये बताइए मुझे कि जब भी हम वेडिंग की बात करते हैं, तो वो वेडिंग में आपका नजरिया क्या है, वॉट इज योर परसेप्शन अबाउट एन आइडियल वेडिंग, बिकॉज इतने सारे क्लाइंट्स हैं और इतनी डिमांड्स हैं, आप उसको अपने हिसाब से कैसे पूरा करते हैं और 100% सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं क्लाइंट को? सबसे पहले मैं बताऊं तो वेडिंग मेरे नजरिए से एक एक्सपीरियंस है, और उसको हम किसी बजट से, यानी कि वो कितना शानदार था, उससे तोला नहीं करते। लेकिन जो ख्वाब होते हैं फैमिली के, मिडिल क्लास फैमिली है या रिच फैमिली है, कोई भी फैमिली है, छोटे से छोटी सी फैमिली भी है, तो उसके लिए शादी एक सपना है, ड्रीम है, क्योंकि मुझे इस तरह की शादी करनी है, मैं अपनी शादी में ये कर सकती हूँ, ऐसा डेकोर चाहिए, तो सारे बहुत सारे सपने हैं। तो मेरी कोशिश ये रही है एज ए फोटोग्राफर या एज ए इवेंट प्लानर, तो मैं कैसे उनकी जो ख्वाहिश है फिर फुल कर पाऊ और उनके बजट में कर पाऊ। क्योंकि क्या है कि हमारे पास बजट है तो हम कुछ भी कर सकते, लेकिन हमारा प्लान ये रहता है, हमारा गोल ये रहता है कि हम उनको छोटी से छोटी खुशियां
और यही चीज हमने आज कमाई है कि जब क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट जब शादी के बाद या ड्यूरिंग द शादी, शादी के दौरान जब उसके चेहरे पर स्माइल आती है, स्माइल आती है कि जो भी हमने प्लान किया था वैसा ही वो दिख रहा है या वो फील कर रहे एग्जीक्यूट हो सका है, वो फील कर रहे हैं, यानी कि उसको वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अदरवाइज जनरली मैं कहता हूँ, जनरली में बार बार मैंने काफी जगह पे ये कहा है कि यदि आपको अपनी शादी में खुद ही ढोल बजाना है, खुद ही बागाबागी करनी है, तो फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि आपको उसको उस मोमेंट को एंजॉय करना है तो फिर आपको एक ऐसे वेडिंग प्लानर की जरूरत पड़ती है जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और आपको वो एक्सपीरियंस दे सके जो आप चाहते हैं। तो मतलब अगर आपको अपनी शादी एंजॉय करनी है तो आप बस सज धज के आ जाइए और बाकी मेहमानों के साथ अपनी शादी एंजॉय करिए, और बाकी सारी चिंता हमारे वेडिंग प्लानर जो कि मिस्टर पीयूष मोदी हैं उन पे छोड़ दीजिए। और इन्होंने ऐसा किया है, इट इज नॉट दैट कि ये कह रहे हैं, इट इज देयर, इतने टेस्टिमोनियल्स हैं और इतने समय का इनका जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है। सो अब हम बात करते हैं आपकी टैग लाइन की, जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और बहुत ही फेमस टैग लाइन है, सही सुने और सही वेडिंग प्लानर चुने। तो इसके पीछे आप कुछ स्टोरी है या ये कहाँ से आई, किसने मल्टीपल स्टोरी है इसके पीछे, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही टैगलाइन बनी है। लेकिन सबसे पहले तो सही क्या है, सही जो वर्ड है वो क्या है, तो सही को हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो सही में ऐसे मतलब कि सिक्योर, मतलब कि आपकी शादी आप जिसको भी आप दे रहे हैं तो वो एक सिक्योर होना चाहिए, जिस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। सेकंड है अफोर्डेबल, यानी कि आपके बजट में होना चाहिए। फिर एक होता है ऑनेस्ट, यानी कि जहां पे आप अपना भरोसा रख सकते हो तो ऑनेस्ट आ गए। और दूसरा है इंटेलिजेंट, यानी कि इसको इस तरह से ले सकते हैं जिसको एक जुनून होता है काम करने का, बियॉन्ड वो अलग अलग तरीके से सोच सकता है, वेडिंग को खुद एक्सपीरियंस कर सकता है, खुद ना सिर्फ एक बिजनेस के तौर पर लेकिन वो खुद एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम उसको कह सकते हैं कि एक सही, तो इसका हमने एक डेफिनेशन बनाया है। तो सही सुने, तो ये जो इवेंट का पूरा एक फॉर्मूला है, जितने भी इवेंट है, सिर्फ हम उसको शादी में नहीं लेकिन जितने भी इवेंट है उसमें कह सकते हैं कि ज्यादातर हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, बहुत सारी। वेडिंग लाइफ में एक बार होती है, ये क्लाइंटों ने हमें बताया, जैसे कि टैगलाइन में है मेरा, क्लाइंटों ने बताया कैसे कि भैया ये मेरे घर में पहली शादी है तो आप देख लेना। तो मुझे भी कभी कभी ये थोड़ा सा उस टाइम थोड़ा सा लगता है कि हर घर में पहली शादी होती है, पहली शादी होती है, लेकिन एक थॉट आए कि ये पहली और आखिरी एक ही होती है, हर एक ही एक ही बार, शादी एक ही बार होती है। और ये भी है कि जब दुल्हन सजती है, ग्रूम सजता है, तो जो वेडिंग के दिन सजता है वो एक ही बार सजता है, उसके बाद में वो कितने भी बार वो ब्यूटी पार्लर में जाके आए वो एक्सपीरियंस वो मोमेंट दोबारा नहीं आता, ये डेफिनेटली सच बात तो बिल्कुल सही है। टोटली तो एक चीज यहाँ से आई कि शादी एक ही बार होती है। तो और तीसरा जो जिसका मैं श्रेय दूंगा BNI को, अच्छा हाँ, कि कभी कभी क्या होता है कि BNI में एक मुझे बहुत चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि आपको जो कुछ भी बोलना है वो 30 सेकंड में बोलना है, 30 सेकंड एलिवेटर स्पीच बोलते हैं। और मेरा एक नाम आया था एलिवेटर स्पीच में, जहाँ पे मुझे 30 सेकंड में अपने आप को प्रेजेंट करना था, तो मैं ये सब कुछ सोच रहा था, तो वहाँ पे मुझे ये सब कुछ मिक्सअप हुआ, किस तरह से हुआ तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन ये सब कुछ मैंने जोड़ा और तब जाके हमने ये प्लान किया। तो इसीलिए हमने सिंपल वे में किया कि सही सुने, यानी कि आप सही सुने यानी कि आप सही तरीके की एडवाइस ले, ज्यादा सुने नहीं और सही वेडिंग प्लानर चुने। फिर ये तो टाइप भी क्योंकि शादी ना होगी दोबारा, बस। तो इस तरह से हमारी ये टैगलाइन बनी है और
बहुत अच्छी टैगलाइन है और मैं उम्मीद करती हूँ ये टैगलाइन और फेमस होती जाएगी और इसकी पहचान से आपकी पहचान हो जाएगी, जो कि हो ही रही है BNI में, तो हम सब जानते ही हैं इसके बारे में और भी लोग जानते हैं जो आपके सोशल मीडिया में देखते हैं और आप इतने एक्टिव है सोशल मीडिया पे, आपके जो रील्स होती है, जो भी आप मैसेज डालते हैं इतने मोटिवेटिंग होते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आज अपने व्यूअर्स को कि बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, तो चलिए अब हम एक रैपिड फायर खेल लेते हैं, ठीक है? मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, मतलब एक आपको सिचुएशन दे रही हूँ और आपको एक वर्ड या मैक्सिमम 3 वर्ड्स में उसका आंसर देना है, ठीक है पीयूष जी? सो इट शुड बी फन, यू नो, बहुत सीरियस नहीं है, जो आपके दिमाग में एकदम से आता है वो आप बताएंगे। एंड सो लेट्स स्टार्ट, आर यू रेडी? यस यस यस। तो माय फर्स्ट वर्ड इज, चूंकि शादी है और शादी की हमेशा शुरुआत हल्दी से होती है, तो हल्दी। मस्ती। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड देन इज वेडिंग। Wedding experience. Experience. Okay. Wedding is an experience. Yes, yes. Okay. It is not a ritual. जो कि करना है और खत्म करना है. It should be experience. Wow. So आपका कोई ऐसा कपल जो कि 2023 में आपको याद हो कि जिनके लिए आपने कोई वेडिंग प्लान किया था और मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड आउटस्टैंडिंग सब कुछ लगा आपको कि ये हुई ना शादी, ये हुई ना बात, ऐसा कोई कपल? पहले तो नाम होगा निर्देश संयुक्ति। ओके। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना कि शादी एक एक्सपीरियंस है जी। तो ये कपल ने उस एक्सपीरियंस को एलिवेट कर दिया। हाँ, किया है अपने इन्वॉल्वमेंट। हाँ, तो उसके वहां पे इसलिए मुझे उनके साथ काम करने का इतना सारा मजा आया है जी। ओके, सो बेस्ट इवेंट ऑफ 2023 एंड 24 सो फार, कोई बेस्ट इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट जो आपको लगा होगा ये गेम चेंजर था मेरी लाइफ में, मतलब यहाँ से मैं एलिवेट हो गया? कपल का नाम ही लूंगा नीरज श्रेया। ओके। तो इनके आपने पूरा शादी प्लान किया? पूरा शादी प्लान किया था, 9 दिन शादी चला था और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस उसमें मिला था। सो नेक्स्ट इज बेस्ट, अभी हम जब शादियों की बात करते हैं, वेडिंग की बात करते हैं, तो बॉलीवुड को कैसे छोड़ सकते हैं? सो आपके हिसाब से कौन सा वो बॉलीवुड गाना है जो सबसे अच्छा फिट होता है हमारी वेडिंग्स में? ये मुझे सबसे गाना जो अच्छा लगता है वो है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे तू अगर सो। आप बहुत ही फिलोसफिकल मोड में चले गए कि दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन से एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई अब हम साथ साथ हैं जंग में, तो तू मेरे साथ है। एंड आई वाज थिंकिंग लाइक कि आप बोलेंगे माधुरी दीक्षित वो वाला जो गाने थे ना सब, हम आपके हैं कौन, क्योंकि हम जब भी वेडिंग की बात करते हैं वेडिंग आते हैं तो सबसे ज्यादा राशि प्रोडक्शन के राशि प्रोडक्शन ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेशली वेडिंग को एक ग्लोबल अफेयर बना दिया, इंडिया को एक अलग ग्लोबल लेवल पे ला दिया था, इतने सुंदर तरीके से उन्होंने हमारी चीजें दिखाई हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको चॉइस दी जाए, सो वुड यू गो फॉर ड्रीम वेडिंग, सॉरी डेस्टिनेशन वेडिंग्स और लोकल वेडिंग्स, आपको क्या पसंद आता है ऑर्गेनाइज करना, आपको किसमें अच्छा लगता है? डेस्टिनेशन वेडिंग आपके लिए परफेक्ट होती है या बहुत हैसल होता है उसमें, या फिर आप अपने लोकल रिसोर्सेज से अपनी जगह पे ही शादी ऑर्गेनाइज कराना? एक ऑर्गेनाइजर की तरफ से देखें तो डेस्टिनेशन वेडिंग इजी रहता है, इजी रहता है क्योंकि एक ही प्लेस पे सब कुछ रहता है तो वो इजी हो जाता है। लेकिन लोकल वेडिंग होता है तो उसमें थोड़े हर्डल्स या चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो नाउ विदाई, वन वर्ड, इमोशनल। ओके, एंड योर इंस्पिरेशन? माय पापा। ओके गुड। और अभी लास्ट, अंबानी की शादी अच्छी थी या दिखावा था? वन चॉइस। अच्छी थी। अच्छी थी। उसको दिखा नहीं बोल सकते yes, क्योंकि yes. वो उनके लेवल उनके लेवल पे yes, लेकिन हमारे एंगल से उसको ड्रीम वेडिंग बोल सकते yes, yes. मैंने बहुत जगह पे ये सुना और इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई कि दे शोड ऑफ, बट एक्चुअली दे डिड नॉट, बिकॉज दे पुट द रियल पिक्चर ऑफ इंडियन वेडिंग और उन्होंने कितने अच्छे से रिलीजन और वेडिंग और रिचुअल्स उन्होंने वेडिंग इस तरह से सब कुछ किया, एम्पावर किया, एक एक चीज उन्होंने प्रॉपर किया है और पूरे रिचुअल के साथ किया, ऐसा नहीं सिर्फ शो किया है, पूरे रिचुअल के साथ। एंड सो मेनी पीपल गॉट एक्सपोजर, कितने लोगों को एम्पावर किया उन्होंने, सेलिब्रिटीज को एक्सपोजर दिया, फूड
डेकोर, फोटोग्राफी एंड इवेंट प्लानिंग, हर चीज पे उनका नजर था. इवन पंडित कैसे रिचुअल्स होने चाहिए, कैसे मंत्र होने चाहिए. सो मुझे तो पर्सनली वो बहुत ही अच्छा लगा उनका वो अप्रोच कि वापस अपने हेरिटेज और कल्चर से हम कैसे जुड़ सकते हैं. एज अ वेडिंग जब हम करते हैं उसमें भी हम हर चीज देख सकते हैं. और मैंने ऑलरेडी अपने प्रमोशन में बोले तो मैंने कहा है कि हम भी चाहे तो अंबानी की जैसे हम शादी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है उतना पैसा खर्च करें, लेकिन वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस हम फील कर सकते हैं, कर सकते हैं. ग्रेट, आई थिंक ये तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लाइन है आपकी. तो जो भी अभी शादी करने का प्लान कर रहे हैं, दे मस्ट कॉल यू एंड कॉन्टेक्ट यू टू हैव द सेम काइंड ऑफ फीलिंग. सो पीयूष जी, हमने इतनी बातें करी आपके सक्सेस की, आपके अचीवमेंट्स की, पर लाइफ जो है इट इज नॉट ओनली अबाउट सक्सेस, इट इज अबाउट फेलियर ऑल्सो. एंड आई थिंक वी लर्न फ्रॉम फेलियर्स मोर देन सक्सेस. एंड आपके जीवन में भी इस पूरे 25 साल की जर्नी में कभी ऐसा कोई समय आया जब आपको लगा कि मैं गिव अप कर रहा हूँ, या मैंने जो सोच के ये चीज इन्वेस्ट करी थी या ये प्रोजेक्ट लिया था ये वैसा नहीं हुआ, जिसको कि हम कह सकते हैं कि आपको सेटबैक हुआ हो, तो ऐसी कोई चीज कभी कोरोना कॉल में जैसे आपको लगा हो कि बिजनेस नीचे जा रहा है मैं कैसे करूँ, उस समय बहुत चैलेंजिंग समय था. तो आप ऐसा कुछ हमसे शेयर करें. सबसे बड़ी बात तो कहें कि फेलियर जब आता है तो वो एक मैसेजिंग होता है लाइफ की तरफ से सीखने के लिए. तो वो मेरे लिए रहता है कि भाई फेलियर है तो वो एक हमारे लर्निंग पार्ट हो जाता है कि वहाँ से हमें कुछ सीखना है. और ऐसा एक एक्सपीरियंस, क्योंकि ये कहता है कि भाई एक स्टूडियो से लेकर यहाँ तक की हमने जर्नी की है, तो ये सारे की सारी जर्नी है वो बियॉन्ड द फेलियर है. कि काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही इतने सारे इवेंट किए तो हमारे फेल्स नहीं, काफी सारे इवेंट हमारे फेल हुए हैं. इतने फेल खुश नहीं, हाँ क्लाइंट खुश नहीं. और ऐसा नहीं है कि भाई कि आप यहाँ पहुंचे तो आप बहुत सब इवेंट आपने अच्छे दिए, तो काफी सारे इवेंट बिगड़े हैं. क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो इवेंट हम करते हैं, वो वन साइड एक टेक्निकली भी है, इसमें टेक्निकली इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा होता है. तो ऐसा ही है बहुत सारे, और ये बहुत सब कुछ हमने झेला है. ऐसा एक थोड़ा सा एक बहुत सारे वैसे तो एक्सपीरियंस है, लेकिन एक एक्सपीरियंस है छोटा सा कि वहां से हमने कितना एक बड़ा डिसीजन लिया था कि एक इवेंट था हमारा जहाँ पे अभी हम वेडिंग में वो LED स्क्रीन देखते हैं. यस, अब तो हर इवेंट में अभी नवरात्रि में हर जगह वो कंपलसरी हो गया है. तो वेडिंग में हम देखते हैं, तो उस वो टाइप था जब शुरुआती दौर था, जब हमें वो किराए पे लानी पड़ती थी या बहुत कम मिलती थी, और वो वही लोग मंगवाते थे जो एक रिच फैमिली है. तो हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस था जब हमने बाहर से वो इम्पोर्ट करवाई थी, मतलब कि रेंट पे लिया था. एक अच्छा सा वेडिंग था, हमने सब कुछ प्लान किया था, सब कुछ सेट हो चुका था, सब कुछ टेस्टिंग हो चुका था. लेकिन इवेंट में सब कुछ होता है भाई, आपको टेस्ट करना पड़ता है, सब कुछ हो चुका था. और जब इवनिंग की शादी थी, और जैसे ही इवनिंग का टाइम यानी कि टाइम पास आ रहा, सारी लाइट्स ऑन हुई और वेडिंग की लाइट LED की लाइट बंद हो गई. बहुत सारा ट्राई किया, सब कुछ ओके था, लेकिन सब कुछ जो हमने प्लान किया था भाई LED में ये सब कुछ शो करना है, आपको सब कुछ, तो क्योंकि इसके पीछे भी हम बहुत सारी मेहनत की थी, लेकिन वो देख नहीं पाया क्लाइंट, वो देख नहीं पाया क्लाइंट, तो उसकी वजह से वो हाँ वो पूरा का पूरा फेल हो चुका. क्लाइंट समझदार था, उसमें लॉस भी हुआ लेकिन इतना सारा नहीं हुआ. लेकिन फिर हमने उसके पीछे का रीजन देखा कि एक्चुअल में ये हुआ था. तो हुआ ये था कि वहां पे LED के लिए कंपलसरी हमें एक जनरेटर चाहिए था, और जो जहां से हमने मंगवाए थे उसने उन्होंने हमें सजेस्ट नहीं किया था. जैसे कि हम बार-बार बोलते हैं सही सुने, तो यही चीज थी कि यदि उन्होंने हमें गाइड किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता. तो फिर हमने ऑन द स्पॉट मैंने नेक्स्ट मंथ हमने खुद का LED हमने प्लान किया. और नवरात्रि में उसके बाद में इवेंट के बाद नवरात्रि आती थी कि उस नवरात्रि में पहली बार था
कि जब बहुत सारी बारिश थी और एलईडी के जो कैबिनेट आते हैं उसका एक कैबिनेट का वेट उस टाइम 18 से 20 किलो था और वो उठा के हमें प्लान करना होता था और शादी की वजह से बारिश की वजह से वहां पे बहुत सारा पानी भरा हुआ था और उसमें हमने मैंने और मेरे भाई ने क्योंकि उस वक्त इतना सारा हमारा परिवार नहीं था जो स्टाफ है मेरा उतना सारा नहीं था कम था क्योंकि वो स्टार्टिंग था हमारा तो हमने खुद वो हमने पूरा प्लान किया था 3 घंटे उसके पीछे लगाए थे तो वो चीज हमने देखी है तो वहां से हमने ये फिर हमने कि ये कुछ जो हुआ था हमारा इवेंट फेल हुआ था तो इससे हमने यहाँ आगे जाने का हमें रास्ता मिल जाना। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है हम आखिर में आ गए हैं तो आप अपने फ्यूचर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं और साथ ही हमारे दर्शकों के लिए या सुनने वालों के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए अपने परिवार के लिए आपके पास कोई मैसेज हो तो वो भी आप प्लीज शेयर करें। ड्रीम प्रोजेक्ट तो कहते हैं कि हर एक का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है तो मेरा भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये सिर्फ मेरा नहीं है जनरली ये ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी मेरे अपने ड्रीम से क्योंकि एक बार मैंने एक शादी अटेंड की थी शायद अटेंड नहीं लेकिन मैंने उसमें अब एज ए फोटोग्राफर के तौर पर मैंने एक बहुत बड़ी शादी की बहुत साल पहले वो मैंने पूरा उसमें रोल निभाया था एज ए फोटोग्राफर तो वो शादी देख के मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसा ग्रांड जैसे कि अभी हम बोल सकते हैं अंबानी की ये शादी थी तो क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसा प्लान कर सकते हैं तो एक थॉट आया था तो उस थॉट से लेके एक प्रोजेक्ट का जन्म हुआ और उसका नाम था वेडिंग सिटी और ये सिर्फ वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं बोल सकता हूँ 1 करोड़ लोगों का प्रोजेक्ट हुआ जो लोग शादी को एंजॉय करना चाहते हैं एक अलग तरीके से देखते हैं जो लोग अभी कहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग तो डेस्टिनेशन वेडिंग का फील लाना चाहते हैं और दूसरा सबसे बड़ा वो है शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं है वो कम से कम 6-8 महीने का प्रोसेस है पूरी प्लानिंग है और इसमें जो मैंने एक एक प्रोसेस देखी है कि लोग किस तरह से उसके नीचे भागते मतलब कि प्रिपरेशन के लिए कभी यहाँ गए कभी वहां गए तो बहुत सारा टाइम जाता है तो ये सबको प्लान करके हमने ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया था उसको हमने लॉन्च भी किया था 2021 में उसका नाम था वेडिंग सिटी और कहते हैं कि सपना होता है ड्रीम होता है तो ऐसे नहीं कैसे पूरा हो जाता है तो उसमें भी चैलेंजेस आते हैं तो अभी वो ऑन गोइंग मतलब कि वो पाइपलाइन है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको टाइम लगेगा लेकिन आज कहते हैं ना क्लाइंटों का सपोर्ट है जी काफी लोग हमारे साथ है तो आगे जाके कहीं ना कहीं वो पूरा होगा तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी ऑन गोइंग है कुछ चीजें जो अपकमिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 1 कुछ किताबों पे अच्छा यस काम चल रहा है तो मतलब जिसमें लिखने जा रहे हैं या लिखा हुआ है अच्छा हाँ कुछ लिखा हुआ है हाँ वेरी नाइस तो कहते हैं कि काफी सारे एक्सपीरियंस है जहाँ से हमने सीखा जी तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी है जो ऐसे बात करने जाएंगे तो काफी टाइम चला जाएगा तो उसको हमने एक सही तरीके से उसमें किताबों में एक मेरे नजरिए से कहते हैं कि थिंक आउट द व्यू फाइंडर जनरली एक एज ए फोटोग्राफर या एज ए इवेंट प्लानर हमारा रोल होता है बिहाइंड द स्टेज यानी कि ये जो कैमरा है उसके पीछे का हमारा रोल है और आज आप आज उस कैमरे के सामने बोलने का मौका मिला है समाज को क्या दे सकते हैं क्लाइंट के लिए आपने साथ में जो हमारे कलीग्स है यानी कि मेरे कंप्यूटर नहीं बोल सकते लेकिन कलीग्स है जो मेरे साथ में फोटोग्राफर्स है इवेंट प्लानर है तो उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं जैसा कि आपने एक बार मुझे बताया था कि सस्टेनेबल वेडिंग के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं yes, रीबायोडिग्रेडेबल प्लेट्स का आप प्रचलन शुरू करते हैं वहां जाके लोगों को बोलते हैं कि इस तरीके की डेकोरेशंस करिए जिसमें ज्यादा पैसे भराव ना हो प्लास्टिक ना हो प्लैनेट को नुकसान ना हो उसका भी ये एक बहुत ही मतलब
ऐसी चीज है कि हम सबको उसके ऊपर काम करना चाहिए. इट इज नॉट ओनली अबाउट सेलिब्रेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप जब वो सेलिब्रेशन खत्म करें तो दूसरों को परेशानी ना हो. तो हमने जिस तरह के आपने अभी बोला ना, तो हमने रीडिंग सिर्फ वन साइड यानी कि सिर्फ फ्रंट ऑफ दी नहीं देखा है, बिहाइंड दी स्टेज भी देखा है. और एक इवेंट में ये बहुत कड़वा है लेकिन सच है, अराउंड 4,000 to 5,000 पीपल का जो गैदरिंग यानी कि शादी में एक बहुत बड़ी इवेंट थी, और वहाँ पे बिहाइंड द स्टेज जो कोई देखता नहीं है वो हमने देखा था कि कम से कम 400 से 500 लोग खा सके, इतना फूड वहाँ पे वेस्ट था. तो ये सबसे बड़ा और उसके बाद मैसेज है कि कम ले. हमने ये प्रोजेक्ट भी रन किया था कि शादी में जाके हमने जो लोग अपना प्लेट कम्प्लीटली खाली छोड़ते थे उनको हम अप्रिशिएट करते थे कि आप बहुत सही जा रहे हैं. उनको काफी लोगों ने उस इनमें से एक मैसेज भी लिया था कि नहीं ये आपकी बात सही है. तो इस तरीके से हमने ये एक हमारा प्रोजेक्ट चलाया था और काफी सक्सेस हुआ था. इतनी चीजें डिस्कस करी, आपकी पुरानी यादें, आपके अचीवमेंट्स, आपके फेलियर्स, आपके सपोर्टर्स, आपने कैसे शुरू किया, और हमें बहुत अच्छा लगा ये सब जान के कि पर्दे के पीछे जो दिखता है और पर्दे के सामने जब वो शख्स आते हैं तो उनकी अपनी जिंदगी में भी इतना कुछ होता है कि वो जब दूसरों के जिंदगी में रंग भरते हैं तो उनकी जिंदगी भी खुद ब खुद रंगीन होती जाती है. और मुझे ये सबसे बड़ी हैरानी होती है कि आप इतने सारे वेडिंग्स करते हो लेकिन फिर भी हर वेडिंग के लिए आपको रीलर्न अनलर्न करना है, क्योंकि पुरानी वेडिंग का कोई भी एक्सपीरियंस आप नए वेडिंग में नहीं ला सकते, बिकॉज एवरी क्लाइंट इज स्पेशल और हर किसी की अपनी डिमांड होती है. सो इट इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क एंड यू हैव टू शो अप, एंड हैट्स ऑफ टू योर एनर्जी, योर स्ट्रेंथ एंड योर विजन. सो अभी मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि जब आपकी मैरिज घर में या आपकी खुद की या आपके जानने वालों की कोई वेडिंग ऐसा प्लान हो रहा है, सो प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर पीयूष जी, क्योंकि इन्होंने जैसा बोला कि अगर आपको अपनी वेडिंग एंजॉय करनी है और अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान देना है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई और देखे, तो उसके लिए भी यही सही शख्स है. और अगर आपको अंबानी की तरह या उससे भी ग्रैंड शादी कम बजट में करनी है तो भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं. मुदेश्वरी क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के सपने पूरे करती आ रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला भविष्य भी आपके लिए बहुत ही उज्ज्वल हो. और इस शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में चलने के लिए. थैंक यू.